फ्रेंड्स, ये है एसस का जेन फोन 2 लेजर मॉडल। आज मैं इस फोन का टियर डाउन करूंगा और जानेंगे इस फोन के बारे में। सबसे पहले कर लेते हैं इसे टर्न ऑफ। फिर निकाल लेंगे इसका ये बैक पैनल एंड ये 3000 या 2900 mAh की बैटरी। अब निकाल लेते हैं 12 फिलिप हेड स्क्रूज। इसे अनस्क्रू करने के बाद बाहर आ जाएगा ये बैक पैनल। ये तीन कनेक्शन पैड जो आप देख रहे हैं, ये यूज होता है सिग्नल के लिए। ये है वॉल्यूम अप डाउन बटन्स का कनेक्टर एंड ये रहा फ्लैश का कनेक्टर। अब चलते हैं मेन बोर्ड की तरफ। ये रहा इसका रेयर स्पीकर। प्राइ टूल से अनलॉक कर लेंगे मदरबोर्ड का राइट साइड। फिर निकाल लेंगे ये सिग्नल केबल। फिर प्राइ टूल से स्नैप कर लेंगे इसका चार्जिंग बोर्ड। अब मदरबोर्ड के लेफ्ट साइड पर अनलॉक कर लेंगे स्क्रीन एंड फेदर टच रिबन केबल। फिर इसका मदरबोर्ड पूरी तरफ से बाहर आ जाएगा। अब निकाल लेंगे ये ग्राउंडिंग टेप। फिर बाहर आ जाएगा ये 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। एंड अब बाहर निकाल लेंगे 13 मेगापिक्सल रेयर कैमरा। अब चलते हैं मदरबोर्ड की ओर। ये रहा सिम 1 एंड 2 ट्रे। ये हेडफोन जैक। ये रहा इसका प्रोसेसर जिसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा हुआ है एंड ये रहा इसका फ्रंट सेंसर। अब चलते हैं स्क्रीन की ओर। ये रहा इसका फ्रंट स्पीकर एंड ये रहा 1280x720 पिक्सल्स 5.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले। एंड अब रीअसेंबल पर वापस लगा लेते हैं ये 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, फिर वो ग्राउंडिंग टेप। एंड अब मदरबोर्ड को प्लेस कर दूंगा अपनी जगह पर। फिर वापस लगा लेते हैं स्क्रीन एंड फेदर टच रिबन केबल एंड उसे लॉक कर देंगे। एंड अब लगा लेते हैं 13 मेगापिक्सल रेयर कैमरा। एंड अब आप देख सकते हैं ये चार्जिंग स्लॉट जो खराब हो चुका है उसे मैं रिप्लेस कर दूंगा। सारे रिप्लेसमेंट पार्ट्स मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अब प्लेस कर देंगे ये नया चार्जिंग बोर्ड एंड इसे फिक्स कर देंगे ये मदरबोर्ड पे। एंड अब मदरबोर्ड को लॉक कर देंगे इस फ्रेम पर। ये सिग्नल केबल निकाल लेते हैं पुराने वाले चार्जिंग बोर्ड से। एंड अब प्लेस कर देते हैं ये माइक कुशन एंड प्लेस कर देंगे ये सिग्नल केबल। एंड इसे लॉक कर देते हैं। एंड अब प्लेस कर देते हैं ये स्पीकर एंड फाइनली ये बैक पैनल एंड फिर 12 फिलिप हेड स्क्रूज एंड ये बैटरी एंड ये बैक पैनल। एंड कर देते हैं इसका पावर ऑन। एंड यस, ये टियर डाउन एंड रिपेयर वीडियो सक्सेसफुल रहा। एंड वाइब्रेटर अभी प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसे चेंज करने के लिए मुझे लगेगा सोल्डरिंग मशीन, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।